सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने लोन फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती दिखाई है। सीवीसी ने बैंकों को 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा के फ्रॉड के मामले में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। सीवीसी ने सरकारी बैंकों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड मामले में रिपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया है। सीवीसी ने इसको लेकर बैंकों के जनरल मैनेजर रैंक के 4 अधिकारियों को हायर भी किया है। इसके अलावा 50 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड को मॉनिटर करने के लिए आरबीआई, सीबीआई और बैंकों से हर महीने बैठक करने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने साल 2015 में कुल 171 बैंक फ्रॉड मामले की जांच की, जिसमें करीब 20,646 करोड़ के फ्रॉड का मामला सामने आया था। सरकार का दाल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि अगले 3 सालों में दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर होगा। जेटली ने कहा कि सरकार की ओर से दालों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे बड़ा बदलाव हुआ है। अगर दालों की नई वैरायटी बेहतर रहती है तो कीमतें कम हो सकती हैं। दालों को आर्थिक दृष्टि से इतना प्रोत्साहन दीजिए उसकी एमएसपी में, उसके बोनस में, और कृषि मंत्रालय भी उसी दिशा में लगा रहा और पिछले 2 सालों में उसका एक लाभ हुआ कि पैदावार बढ़ी, जिसका कि एक असर इस वर्ष दिख रहा है।